एवरीवन, कैसे हैं सारे जरूर बताइएगा। मैं हूँ आप लोगों की माउंटेन फेरी। और जो आज की वीडियो होगी, तो आजकल चल रहा है ऑटम। जी हाँ, चारों तरफ येलोइश रेडिश पत्ते ही पत्ते आप लोगों को देखने को मिलेंगे अगर आप इस वक्त किन्नौर आते हैं तो। तो जो ऑटम फ्रूट है जैसे कि पर्सिमन हो गए, अनार हो गया है ना, और जो हमारा वॉलनट है जिसे मैंने बहुत बार दिखाया था, वो छोटे से पेड़ पे जो कागजी वॉलनट है, तो ये ऑटम फ्रूट्स कह सकते हैं इसे, जो कि ऑटम में जाके पकते हैं ये, है ना। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर होगी और ऑटम का नज़ारा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। चलिए, आजकल किन्नौर के पहाड़ फिर से बर्फ से लद रहे हैं, तो सीजन का फर्स्ट स्नोफॉल हो गया है, तो देख सकते हैं आप पहाड़ों पे खूबसूरत नज़ारा। तो दोस्तों, टेस्ट करके बताना तो बनता ही है। इस वाले परसिमन को आप ऐसे ही खा सकते हो कच्चा, और टेस्टी होता है बहुत। बहुत टेस्टी है। तो अनार भी अब अच्छे से पक चुके हैं, और ऑटम फ्रूट में अनार भी आते हैं क्योंकि इस वक्त अनार तैयार हो जाते हैं। और काफ़ी ऊंचाई पर है तो मुझे लगता है कि मुझे किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि इस अनार के पेड़ों की प्रूनिंग नहीं की है तो ब्रांचेस काफ़ी इसके लंबे लंबे हो गए हैं ना, तो काफ़ी ऊँचाई पर अनार लगे हुए हैं। नीचे जितने थे उतने तो मैं निकाल ही लिया है, बाकी ऊपर वाले मेरे से तो नहीं निकलने वाले, तो कल परसों मुझे फिर से हेल्प लेकर निकालने पड़ेंगे। लेकिन जब अनार पक जाता है तो वो फट जाता है, तो एक अनार यहाँ फटा हुआ है तो उससे टेस्ट करके बताती हूँ मैं आप लोगों को। तो यहाँ देखिए, ये अनार खुद ब खुद फट गया है ज़्यादा पकने की वजह से, तो इसको मैं तोड़ती हूँ एक तरफ। ये देखिए दाने कितने काले हो रखे हैं इसके, तो इसे टेस्ट करेंगे हम। यहाँ देखिए, तो इसमें कुछ मेहनत मशक्कत नहीं करनी पड़ी मुझे, तो मैं टेस्ट करके, यहाँ देखिए टेस्ट करके बताती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ देखिए, और मैं टेस्ट कर रही हूँ। मतलब
बहुत ही ज्यादा मीठे हैं। ऐसा लग रहा है मुझे जिस जैसे कि इसमें ना किसी ने शहद डाल दिया, बहुत ही मीठे है और जूसी। हाँ आसमा निकालो, आसमा हेलो करो सबको पहले। हेलो। तो गाइज आसमा को आप लोगों ने मेरी एक आध वीडियो में देखी होगी, ये मेरे बड़े वाले दीदी की बेटी है। आजकल यहाँ आई है दो चार दिन छुट्टियों में, और ये भाई। तो कागजी अखरोट तैयार हो गए हैं, मैं अभी आप लोगों को खाकर बताती हूँ। और ये दांतों से ईजिली टूट जाते हैं। और स्नो और लूना यहाँ पे बहुत ही मजे ले लेके खेल रहे हैं लड़ाई करते हुए। सब कपड़े में चिपक गए। काट रहे नने? बाजरा। बाजरा काट रहे? हाँ। गाइस मैंने आप लोगों को बाजरा के बारे में बताया है। हाँ। इसे हम लोग यहाँ पे बाजरा बोलते हैं, जिसकी झाड़ू बनती है। हाँ। तो नने यहाँ अपने खेत में कट कर रहे हैं। यहाँ तो बहुत सारा लगा था ना नानी, अभी तो कम दिख रहा है। बाकी क्या थाप थाप। अच्छा अच्छा। तो यहाँ देखिए इतने सारे बाजरे लगाए हुआ है, लेकिन आप लोगों ने इसे कहा था ये बाजरा नहीं ज्वार होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो इसे बाजरा ही कहते हैं, पता नहीं क्यों, है ना नानी? हमारे यहाँ तो इसको बाजरा ही बोलते हैं ना। वही ना। हाँ। फूलता है ना। हाँ, वो वाला बाजरा नीचे होता है, हमारे यहाँ ऐसा बाजरा होता है। अच्छा, अगर वो वाला बाजरे को यहाँ बीजेंगे उगेगा ना? उगे तो नहीं तो है, पर कभी बीजा नहीं ना हमने। अच्छा। हाँ बिल्कुल। तो गाइज यहाँ जो नने हैं वो बोल रहे हैं कि वो उससे झाड़ू नहीं बनती तो हम बीजते भी नहीं है उसे, और इससे झाड़ू बन जाती है तो इसे बीजते हैं हम, और ये हम खाते नहीं है, हम तो इसका झाड़ू ही बनाते हैं। पहले पहले खाते थे हम लोग ये भी। अच्छा, और अब मैंने तो कभी नहीं दिखाई इसे खाते हुए। अच्छा तो पहले पहले खाते, अब तो सिर्फ इसका झाड़ू ही बनाते हैं हम। अच्छा अच्छा। चावल तो नहीं मिलता से क्या करना? तो हाँ, पुराने जमाने में चावल तो होता नहीं था। हाँ। तब ये खाते थे चावल। हाँ। की जगह हमारा जमीन में बीजेगा। अच्छा, तो चावल मिलता। हाँ जी। हाँ। अच्छा अच्छा। ज्यादा तो नहीं बीजते, कम 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 अपना गुजारा से। अच्छा अच्छा। अच्छा, आप लोगों ने देखा कि कितना खूबसूरत नज़ारा है आजकल ऑटम का, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। तो आजकल ऐसे ही देखने को मिलेगा किन्नौर में। अगर आप लोगों को फॉल पसंद है, ऑटम पसंद है, तो आप लोग अभी किन्नौर आ सकते हैं। लेकिन किन्नौर आने से पहले आप लोग NH थ्रू है कि नहीं है ये अच्छे से पता करके आइए, क्योंकि आप लोगों ने न्यूज़ में भी देखी होगी जो नाथपा वाला जो रोड है वो बुरी तरीके से लैंडस्लाइडिंग होने की वजह से ब्लॉक हो गया था। हालांकि अब खुल गया है, 4-5 दिन लग गए उस चीज़ के लिए, क्योंकि ऊपर से पत्थरें आ ही रहे थे तो बहुत ही दिक्कतें हुई।
तो आप लोग ये चीज़ें ध्यान रख के आइएगा जब भी किन्नौर आते हैं, और वेदर चेक करके ज़रूर आइएगा। ये मैं हमेशा ही कहती हूँ जब जब मैं आप लोगों को किन्नौर आने के लिए कहती हूँ। वो जो कागजी अखरोट है, इस बार इतने सारे लगे थे उस छोटे से पेड़ में, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और मैंने आप लोगों को टेस्ट करके नहीं दिखाया, तो यह देखिए एक मैं हाथ में लेके ही बैठी हूँ, तो एक तो खाना बनता ही है। तो ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट है ना कि आप दांतों से आराम से तोड़ सकते हैं, हालांकि आप हाथ से भी तोड़ सकते हो, क्योंकि इसका जो शेल है ना बहुत ही बारीक है, बहुत ही बारीक, जैसे कि हम मूंगफली खा रहे हैं या बादाम, कागजी बादाम खा रहे हैं। फ्रूट इसमें थोड़ा सा छोटा है साइज में, आप देख सकते हैं ये ड्राई फ्रूट अखरोट थोड़ा सा छोटा है, लेकिन टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। अब परसिमन का सीज़न आ गया है, तो बस अब परसिमन कट करके धूप में सुखाने पड़ेंगे, बस यही चल रहा है। और यहाँ पे तो कुछ ऐसा ही हो रहा है, मुझे लगा कि ये वीडियो आप लोगों को दिखाना ही चाहिए। हर साल मैं ऑटम दिखाती हूँ, स्नो दिखाती हूँ, है ना, हर सीज़न दिखाती हूँ आप लोगों को, तो ये क्यों नहीं। इसलिए मैंने आज ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है। आप लोगों को ये वाली वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और आप लोग अपने घरों में क्या कर रहे हैं, ऑटम आप लोगों के वहाँ पे आया है कि नहीं आया है, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नए ब्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।